हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेहा जी, मैं सही बताऊं ना, मेरे पापा ना मुझे मेरी जायदाद से हिस्सा नहीं दे रहे। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना मुझे जेल में बंद कर दो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए जी। अच्छा, ओहो, काफी दिनों से आपकी कॉल ही नहीं आई मैडम। सर आपने नंबर ब्लॉक कर रखा है, मैं तो नहीं मैडम, कॉल कर ही रही सुनो हूँ आपको, आप फोन सुनो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। नहीं नहीं मैं ब्लॉक नहीं करता। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को और भी लोग परेशान करते हैं, तो मेरे फोन में ऐसी सेटिंग है कि मैं क्या करता हूँ, उसमें ना जो नंबर सेव होते हैं उन्हीं की कॉल आती है, बाकियों की आती नहीं है। तो मैंने आपका नंबर सेव नहीं कर रखा ना, इसलिए कॉल नहीं आई आपकी। आपकी कॉल से उठता था मैं सुबह सुबह, आप 9 बजे कॉल कर देते थे, मेरी नींद खुल जाती थी, मैं आके शॉप खोल लेता था। सर मैं तो इतनी सुबह आपको कभी कॉल किया ही नहीं है, कहाँ से खुल जाएगी 9-10 बजे के बीच ही करते होगे ना। देखो हमें भी फॉलो अप लेना होता है, हमारा भी काम ना, है। ना, देखो आपकी फाइल मेरे पास है अभी, ठीक है? बिल्कुल लो मैडम, मैं तो आपको देखो सर मैं आपसे ये कह रही थी, आपके ऑलरेडी देखो आपको पता है कि 2 केसेस चल रहे हैं एचडीएफसी में, ठीक है? तो कम से कम तो मैं देखो आपको बताऊंगा, वो जो आपका वो चल रहा है ना जंबो लोन, उसका प्रिंसिपल तो मैं ऑलमोस्ट दे चुका हूँ, ऑलमोस्ट क्या दे ही चुका हूँ, प्रिंसिपल से ज्यादा दे चुका हूँ, तो उसको तो कर दो आप माफ, ठीक है? दूसरा वाला जो क्रेडिट कार्ड का है, उसमें जितना भी अमाउंट है मैं उससे ज्यादा मिनिमम भर चुका हूँ, तो उसको भी माफ कर दो। ऐसे थोड़ी होता है, आप कैसी बातें कर रहे हो बताओ। कैसे होगा मैडम, फिर आप बता दो। देखो आप सेटलमेंट करा लो ना सर, नहीं भर सकते हो तो कम से कम सेटलमेंट करा लो, सेटलमेंट में आपको पूरा अमाउंट थोड़ी है मैडम, मैं जो आपका पूरा अमाउंट है ना उससे ज्यादा दे चुका हूँ 15, तो मेरे साथ ये समस्या है। सुन ना मैडम मेरी बात, आपका नाम क्या है, गुड नेम? नेहा जी, मैं क्या है ना, जब मैं आप है ना, पता नहीं सिस्टम में देख पा रहे नहीं पा रहे, वरना मैं 15 साल से एचडीएफसी का कार्ड यूज कर रहा हूँ, और मैं जब है ना परेशानी में फंसा था, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा था, तो मैं इसको एचडीएफसी वालों से मिन्नते कर रहा था कि मेरा जो अमाउंट है आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, ताकि क्या होगा मेरे को दिक्कत नहीं होगी, मैं भरता रहूंगा। लेकिन उस वक्त क्या था कि बैंक ने ईएमआई पे कन्वर्ट नहीं किया, और मैं हर महीने 17,500 भरे हैं मैंने लगभग 1.5 से 2 साल। उस वक्त क्या था, हमें ना इतनी नॉलेज नहीं थी कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का पैसा रोक लेंगे तो ये सिविल खराब करने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे, इतनी नॉलेज नहीं थी। अगर हमें उस वक्त नॉलेज होती ना तो हम उस वक्त स्टॉप कर देते और आपकी पेमेंट सारी निकल भी जाती। लेकिन हम जितना पैसा आपका देना था एचडीएफसी का, उससे ज्यादा मिनिमम में भर चुका हूँ, अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल कि मैं दे पाऊँ। सर देखो आपको भी पता है जब तक आप पे नहीं करोगे कॉल्स वगैरह तो आएंगे, कॉल की तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम, मैं तो मोस्ट इलेक्शन की भी तैयारी होती है बैंक साइड से, नहीं वो तो कस्टमर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, ठीक है, और आगे कुछ भी पे नहीं कर रहा है, कम से कम इंटेंशन तो दिखाओ ना, ठीक है? आपके नहीं, पास इतना अमाउंट पेंडिंग है, आपसे 3.5 लाख रुपए आप भर मैडम। हाँ मैं क्या है ना, 3.5 लाख अगर आपका पेंडिंग है ना उससे ज्यादा भर चुका हूँ। अभी क्या है ना, आप मुझे बोलो, मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, झाड़ू पोछा चाय, मुझे नौकरी पे रख लो, सब करूंगा मैं। अरे जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, कुछ तो अमाउंट अवेलेबल होगा ना सर, उतना ही पे कर दो आप। वही तो कह रहा हूँ मैडम, मेरा तो मेरा ना फाइन टेंशन तो हो कि ठीक है आपको प्रॉब्लम चल रही है, आप मैं पूरा अमाउंट नहीं भर सकते हो। मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो क्या है मैम, जो मिनिमम दे दे के ले, मतलब अपने दोस्तों से लेके भरा था ना, मैं अभी उनके नहीं उतार पाया हूँ, तो मैं अभी तो कैसे भी नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे ना बोलोगे मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा, मेरे को वहां से आप थाने में सरेंडर करवा देना, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर ऐसी बातें कर रहे हो, 5-10 हजार का अमाउंट भी नहीं आपके पास? नहीं मैडम अभी कुछ भी नहीं है, पर सर एक नहीं दो दो चीजें चल रही ना तो अभी, दूसरा तो आप ये देखो भी ना, चल दूसरा रहा जो है। लोन था 3 लाख का था शायद वो जंबो लोन, तो उसका मैं 3 लाख से ज्यादा भर चुका हूँ प्रिंसिपल से ज्यादा, तो बाकी का रह रहा इंटरेस्ट रह रहा, उसको तो माफ करा सर दो। आप बताओ आपने टाइम पे किया, टाइम पे पे करते तो सर नौबत ही नहीं आती ना नहीं फिर नहीं तो। वो तो सारा टाइम पे किया है जंबो लोन, जब रोका है तो सारा ही रोक दिया मैंने, मतलब वो तो जो प्रिंसिपल है उससे ज्यादा तो मैं भर चुका हूँ।
आप ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, अच्छा मैडम कैसे कुछ तो बताऊं करना फिर ही मैं। पड़ेगा ना। देखो आप, देखो आप अपनी इंटेंशन तो दिखाओ ना बैंक को, ठीक है आपको प्रॉब्लम है, आप इतना अमाउंट नहीं कर सकते हो, नहीं ठीक है मंथ एंड हो गया देखो है, तो फिर आप कम से कम 5-10 हज़ार का अमाउंट तो पे कर मैं सकते हैं ना एच मैच डी को एफ सी को लेकर। इस मामले में अप्रिशिएट करता हूँ कि जितने भी मेरे और भी क्रेडिट कार्डों के लेन देन है, लेकिन एच डी एफ सी ने अभी तक मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। लेकिन मेरे साथ समस्या यह है, मैं चाह के भी नहीं दे सकता, अभी मेरे पास है ही नहीं पैसे। आप कहाँ से बोल रहे हो मैडम? दिल्ली से बोल रहे हो? हाँ, हाँ जी सर, क्योंकि नंबर दिल्ली का लग रहा है। कहीं मिल के बात करें, आप मुझे बता देना ढंग से कैसे क्या हो सकता है कैसे नहीं। फोन पे तो आपके पास भी रिकॉर्ड होगा कब मेरे सर पास। आपको देखो सर मैंने बता दिया है, ढंग से ही बता दिया है, ठीक है। देखो आपके ही वेवर में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इतना नहीं दे सकते हो, ठीक है। दो दो अमाउंट है, 3.5 लाख हो गया, 1 लाख 20 का अमाउंट हो गया, दो अमाउंट आप नहीं पे कर सकते हो, तो सेटलमेंट करा लो, सेटलमेंट भी आप इकट्ठे अमाउंट मत भरो, ठीक है, आप EMI में कन्वर्ट मैडम करा लो ना मैं सर। बता तो रहा हूँ, अभी मैं कैसे भी नहीं दे सकता, ईएमआई भी नहीं दे सकता। मेरी जो सोर्स अर्निंग थी ना, जो जो मैं पहले 2-2 लाख रुपए कमाता था, वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी तो है ही नहीं अर्निंग, मैं कहाँ से दूंगा? अच्छा 2 लाख पे इंसान गिरता है तो बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता ना, कम मैं से कम थोड़ा मैडम बहुत तो मैं कन्वर्ट ये नहीं कर कह रहा कि सकते मैं हो ना बिल्कुल सर। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं कमा रहा। मैं कमा रहा हूँ, लेकिन क्या है, मैं जो मिनिमम भरा था ना, मैंने दोस्तों से लेके रिलेटिव से लेके, मैं उनको अभी क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका उन्होंने मेरा बहुत परेशान कर रखा है। देखो आप ऐसा कर लो, देखो जब भी आप सेटलमेंट कराओगे, नेक्स्ट मंथ करा लोगे, नेक्स्ट मंथ कराओगे सर, नहीं मतलब ही नहीं है मैडम। मैं मुझे सही बताऊँ ना अभी मैडम, भी क्या नाम सेटलमेंट नाम बताया था मैडम आपने? नहीं। हाँ नेहा जी, मैं सही बताऊं ना, मेरे पापा ना मुझे मेरी जायदाद से हिस्सा नहीं दे रहे। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ना मुझे जेल में बंद कर दो। उसमें क्या होगा, फिर पापा अपने आप हिस्सा देंगे मुझे और पैसे भी देंगे। अभी दे ही नहीं रहे, मैंने उनको इतना बोल दिया मैं परेशान हूँ, मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो वो मान ही नहीं रहे तो हैं। आपके घर विजिट भेज दें, तो आपके घर भी नहीं, विजिट देंगे तो फादर प्रेशर सुधा दो आप। घर तो विजिट बहुत बार चली गई मैडम, कुछ नहीं होता उसमें। वो मेरी दुकान पे भेज देते हैं कि वहां पे जाओ उससे लो। आप मुझे जेल करा दो ना, अपने आप छुड़वा लेंगे वो, सही बता रहा हूं मैं। 1 मिनट सर, मैं आपकी सर से बात करा देती हूँ, ठीक है, मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर से, तो आप उनको बता दीजिए। हेलो हाँ कराओ। 1 मिनट लाइन पे रहिए। लाइट यार इतनी देर कैसे गई है? हाँ जी सर, हाँ बोलिए मित्र, सर आपका गुड नेम? क्या दिक्कत आ रही है मुझे, करवा दो ना पेमेंट, क्या दिक्कत आ रही सर है आपका गुड नेम? जी मेरा गुड नेम। सर वॉइस ब्रेक हो गई, समझ नहीं आया। हेलो हाँ जी सर, देख लो सर अमाउंट का करा दो आप, क्योंकि देखो मेरे पास भी आपकी फाइल आई हुई है और आप इस मैडम, तरीके आप से कर रहे आपके हैं सीनियर ने तो मुझसे बात ही नहीं की। सर, मेरे पास कॉल आ गया है अच्छा इसीलिए अच्छा आपके अच्छा पास अच्छा बस चलो वो कोई फोन पे। बात नहीं, मैं आपसे आके कहीं मिल लें। मैडम आप साउथ दिल्ली से बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो? हेलो, सर हेलो, हाँ ये आपकी आप डीपी है जो अमाउंट पे आपने लगा रखी है? हाँ जी, क्यों क्या हो गया सर? नहीं, वो फेस नहीं दिख रहा ना उसमें। हुआ तो कुछ नहीं सर है, डीपी अमाउंट का बताओ, आप एक बार बताओ डीपी आपकी अमाउंट, अच्छी है, बस आप फेस अमाउंट, नहीं दिख रहा उसमें। सर अमाउंट का बता दो आप, ठीक है अमाउंट अमाउंट देखो इंटेंशन रखो, 1-2 हज़ार रुपए करने की इंटेंशन तो रख सकते हो ना सर, 2-5 हज़ार रुपए भी तो निकाल मैडम सकते हैं आप एक चीज इंस्टॉलमेंट, बताओ, जो अगर आप आप बत... सेटलमेंट कराओगे ना हम उसमें से लेस करवा देंगे सर, जब भी आपका सेटलमेंट इश्यू सुनो होगा ना, आप क्योंकि मुझे आप बता इस रहे हो महीने जितना भी कि अमाउंट आप पे करोगे। सुनो आप मुझे बता रहे हो कि एक में 3.5 लाख है, एक में 1 लाख कुछ है, 4.5 लाख हो गया, तो उसमें क्या है ये 1,000 2,000 5,000 कोई मायने रखते हैं क्या? अरे सर सेटलमेंट में कौन सा आपको 3.5 लाख का अमाउंट भरना होगा सर, वो भी तो आपका लेस हो जाएगा ना, कितनी वो बस परसेंट पे सिंपल करा आप दोगे गिरवी तो सकते सेटलमेंट? ना दो 3% पे करा दोगे? सर, ये कहीं होता सर, ये तो फिर आप वाली बात कर रहे हो कि नहीं, मेरा इंटेंशन ही आप नहीं है कितना पैसे कितना पेमेंट दे सकते हो कुछ आप भी करने मुझे? का। मैं तो बोरो करूंगा, मैंने वो बताया करूंगा ना ना आपको 50% नेगोशिएट। का वेवर मिल जाएगा, कितना? 50% का। अच्छा मैडम मेरे पास पता नहीं कॉल आ रहे हैं और भी बैंकों के, वो 20% पे पेमेंट मांग रहे हैं, मतलब 80% वेवर दे रहे हैं, और आप मुझे सिर्फ 50% का ऑफर कर रहे हो।
तो सर बैंक बैंक पे भी तो डिपेंड नहीं होता है वो तो ना, मैं हर मानता किसी की हूँ, अलग अलग कंडीशंस वो होती है। तो बाकी अगर आप वन शॉट में पेमेंट कराओगे एक बारी में, ठीक है, तो ईएमआई हम आपको ऑफर करेंगे ना 50% में, अगर आप एक बारी में कराओगे अप्रूवल, ठीक है, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं आपके व्यूअर के लिए कि मिनिमम जितने में वो पॉसिबल हो, ठीक है, मिनिमम की एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, नेहा ठीक जी, है, नेहा जी तो उसमें एक, आपको फिर वन शॉट में पेमेंट करनी होती नेहा है। जी मैं एक चीज बताऊं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वास्तव में मैं खुद आ जाऊंगा आपके ऑफिस, आप मुझे ना थाने में बंद करा दो, वो जेल भेज देंगे, मेरे पापा ना खुद सारे आपके पैसे देंगे विद सर इंटरेस्ट। आप ऐसी बातें करते हो कि मतलब मेरी साइड से कोई इंटेंशन ही नहीं है नहीं पैसे सुनो, पेमेंट करने दो का मैं क्या बैंक बोल को। रहा हूँ, आप मेरी बात समझो पहले। मेरे पापा खुद है ना आपका विद इंटरेस्ट सारा पेमेंट भी करेंगे, मुझे छुड़वा के भी लाएंगे, और मेरे को हो सकता है 10-20 लाख रुपए भी दे दें कि ले अपना काम कर ले, बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आपको 1 लाख रुपए अलग से दे दूंगा वास्तव में। समझ नहीं चाहिए ना, आपके आप 1 लाख अपना सुनो बिल भर दो, आप सुनो, खुद एक बहुत काम अच्छे करते रहेंगे। हैं, मैं आपके ऑफिस आके बैठ जाता हूँ, आपकी बात कराऊंगा अपने पापा से, मेरी फोन से करना, तो आप उनको बता देना जिनको हमने अरेस्ट कर लिया है, फिर वो अपने आप आके दे जाएंगे आपकी। सर हम पुलिस में तो है नहीं जो आपको अरेस्ट करेंगे। सर मैंने आपको बिल के लिए पेमेंट के लिए कॉल किया, आप फालतू की बातें कर रहे हो, बताओ कैसी मैडम देखो, मैंने आपसे बदतमीजी तो कुछ बातें कर रहे बोला हो। आप नहीं एक है। बात बताओ, आपके आपके फादर हैं, ठीक है, आपका अमाउंट है, अगर देखो सर मैं भी आपसे पोलाइटली वे में बात हाँ कर रही वही हूँ, तो कह ठीक रहा हूँ, है, मैं आप भी आपको मेरे से सजेशन तमीज से बता रही बात हूँ, कर रहे ठीक हो, है। मैं भी आपसे तमीज से कर रहा हूँ। हाँ तो सर मैं आपसे वो ही बोल रही हूँ, आप इस तरीके से बात कर रहे हो, इससे लग रहा है कहीं से कि आपकी इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने की। कम से कम थोड़ा इंटेंशन तो मैडम दिखाओ सर, एक चीज इंतजार मत बताऊँ ना, करो, आपके ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, लोन चल रहा है, ठीक है, तो आपके साइड से भी तो होना चाहिए ना कि मुझे पेमेंट करनी है। ये जो वर्ड है ना इंटेंशन वाला, सुन के मैं पागल हो गया हूँ। मेरे को सारे रिकवरी वाले इंटेंशन इंटेंशन, रात को सोते सोते भी ना इंटेंशन याद आता है मुझे। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना कल बात करता हूँ, मतलब रात को पापा से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है? सर देखो मैं आपसे ये नहीं कह रही 1 लाख रुपए का ट्रांसफर कर दो, ठीक है, 5-10 हजार की पेमेंट तो कर सकते हो ना, ताकि हमें भी आपका लगे कि हाँ आप देना चाहते हो, आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है इतना अमाउंट, बाकी जब आपका सेटलमेंट इश्यू होगा उसमें से लेस कर मैडम देंगे, माफ अभी करिए मेरे माफ। पास 10 हजार 5 हजार भी नहीं है, 100-200 करूंगा तो चलेगा क्या? 100-200 से क्या होने वाला है, एक बात बताइए। देखा मैडम मैंने आपको कितना हंसाया। अरे सर एक एक बात बताओ, एक सौ आप 3.5 लाख का कर्जा आपके ऊपर हो रखा है, आप कह रहे हो 100-200 रुपए दे देता हूँ, सर क्या मैं क्या बोल दूंगी बैंक देखो में, ये लो 100-200 रुपए की रिकवरी मैडम, हुई है इनसे। आज जन्माष्टमी भी है, 101 कर देंगे, 1 रुपया ऊपर वाला जो होता है ना। आज छुट्टी नहीं है मैडम एक आपकी? लाख एक कर दो सर, ओहो, 1 लाख 1 रुपए कर 1 लाख 1 कर दो दें। मैडम सही बता रहा हूँ, आपकी मुझे आवाज बहुत प्यारी लग रही है, आप कहीं मिलो फिर, है ना, इसके बारे में बात करते हैं हम। सर, बिल पेमेंट कर दो, वही बहुत है। सर नहीं मैडम, बिल पेमेंट में बता तो रहा हूँ, मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ इस वक्त। आप है ना देखो, मैं अरे मिनिमम सर मिनिमम ना देखो 1.5 से 2 साल मैंने भरा है 17,500 रुपये। आप देखो एक बार उसे कैलकुलेट करेंगे ना, मैं 1 मिनट जोड़ता हूँ, सर, 17,500 मैं सौ आपसे गुणा ज्यादा अमाउंट आपका थोड़ी ना मांग 24, रही हूँ, 4,20,000 रुपये में भर आप चुका। तो सर आपको भी पता है मुझे भी पता है, जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सबको ये बात पता है कि हाँ लेट पेमेंट करते हैं तभी बैंक मैं वही तो एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, चार्जेस उस वक्त अगर बनाती मुझे है, पता होता ना तो फालतू जो में बैंक वाले भी पागल नहीं है ना सर, बैंक वाले भी पागल नहीं है कि आपके ऊपर फालतू में इंटरेस्ट बनाते रहे, कि मैडम आप टाइम टू वो टाइम मैं पेमेंट दे अग्री रहे हो, कर कि रहा आप हूँ, इंटरेस्ट बना रहे वो हैं। मैं अग्री कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी तो बैंक मुझे ऑफर कर रहा है सेटलमेंट 50% वेवर ईएमआई अभी तो कर रहा है, अगर वो सर मुझे आप उस वक्त नहीं कर समझ दिया। रहे ना, आप नहीं समझ रहे हो सर, एक बात बताइए, ठीक है, अगर लाइफ कार्ड है, कार्ड चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे वेवर नहीं दिया जाता सर, जब हाँ केस तो आता है ना अगर सर अगर वहीं हमें पे, उस वक्त ठीक है, बता दिया गया होता ना कि आप पेमेंट रोक दो, फिर 6 महीने बाद हम आपको ऑफर करेंगे वेवर, तो मैं उस वक्त कर देता, मेरे पास पैसे होते, अभी तो मैं बिल्कुल खत्म हो गया हूँ, मैं क्या बताऊँ मैडम, कैसे बताऊँ मैं आपको। मिल लेता ना मैं आपको, खोल के अपने सारे व्हाट्सएप की चैटिंग दिखाया था, कितने लोगों से कर्जा ले रखा है, कितने लोग मांग रहे हैं, कितने लोग मुझे धमकियां उससे देते क्या हो हैं। जाएगा सर, उससे क्या हो जाएगा सर, उससे आप क्या हो मुझे वास्तव जाएगा, ठीक में, है। अगर आप मुझे कैसे भी, मैं खुद आ जाऊंगा, अगर आप मुझे थाने में भी बंद करा देंगे ना, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। सर पेमेंट करा दो, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी सच में, अच्छा मुझे लग रहा है हाँ जी आपकी सर, आपकी सैलरी रुकी आपका हुई है। केस सर, आपका केस आया हुआ, सैलरी की बात नहीं, आपका केस, हजारों नहीं आते सर, हजारों नहीं आते ना सर, ये गलत फहमी आपकी होती है, हजारों नहीं आते ना सर, कितने केस हंड्रेड करने होते पॉजिटिव हैं महीने में केसेस आते हैं, आपको? अगर
सर वो आप छोड़ो, आप अपना बताओ, आप पेमेंट का बताओ मुझे। नहीं मैं देखो, अगर आप इस महीने पर पेमेंट कर देते हो नेक्स्ट मंथ भी फिर आपका केस मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो फिर अदर सेंटर से कॉल आएगा या अदर साइड से कॉल आएगा, फिर आप बोलोगे कि कैसा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। तो सुनो नेहा जी, सही बताऊं ना, सुनो नेहा जी, ये जो मुझे बता रहे हैं ना कि दूसरे एजेंसी से आएगा या बिहेवियर होगा, ये और बैंक मेरे साथ कर रहे हैं, तो अभी तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप हाँ तो उस चीज को आप क्यों बढ़ा रहे हो सर, अपना पेमेंट देके खत्म करो ना, आपको ज्यादा अमाउंट थोड़ी पे करना है, पेमेंट अपना ईएमआई बना लो, खत्म करो। सुनो, पेमेंट अगर होगी मैं तब तो दे पाऊंगा ना, आप मेरी किडनी बिकवा दोगे? सर पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, ठीक है, अरेंज करने पड़ते हैं, अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो अरेंज करोगे ना कहीं से। तो ये प्रॉब्लम मैं पैसे इसको तो किसी के पास नहीं होते सर। मैं प्रॉब्लम नहीं समझ रहा हूँ ना आजकल। आजकल तो मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि 3 लाख देने थे, 3.5 लाख देने थे, और 4,20,000 दे चुका हूँ, तो मेरी तरफ से तो तो जीरो हो करने गया करना ना। तो पड़ेगा ही ना सिचुएशन से। आप ब्रांच आपसे पूरा अमाउंट तो मांग नहीं रही ना, सेटलमेंट में हाफ अमाउंट ही मांगती है, आपको अच्छा वेवर दे रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, आप वो तरीका अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप झूठ मूठ के कॉल मेरे कर को देना। तरीका मत बताओ, आप मुझे तरीका नहीं बताओ, मैं लोन में नहीं फंसे हुई हूँ, आप फंसे हुए हो, आपको निकलना चलो है। एक काम करता हूँ, मैं फिर कोई दोस्त ढूंढता हूँ, वही तरीका मैं अप्लाई करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि पापा कुछ पैसे दे दें। ठीक है मैडम, मैं दो तीन सर दिन मैं दो आपके फादर, आप इतने बड़े हो, जॉब कर रहे हो, तो आप कह रहे हो 2 लाख की इनकम है आपकी, तो आपसे 5-10 हजार नहीं तो नहीं नहीं निकल जॉब नहीं रहे। कर रहा, अपना काम है मैडम मेरा। हाँ तो अपना काम है, फिर भी आप 5-10 हजार रुपए नहीं निकाल मैडम सकते इस सर। वक्त मैं बताता रहा हूँ, जो मैंने मिनिमम भरा था ना दोस्तों से लेके, अभी मैं उनका हाँ पेमेंट सर क्लियर कर रहा मिनिमम हूँ। भरा था, लेकिन 5-10 हजार के अरेंजमेंट तो कर सकते हो, आप सेल्फ बिजनेस मैन हो तो 5-10 हजार तो निकाल ही सकते हो ना सर। मैडम क्या बताऊँ मैं आपको, आप आपकी शॉप है ना सर टिकड़ी में? हाँ जी, आप आए हो क्या मेरे पास? जी, एक कम्युनिकेशन का शॉप है ना आपका? हाँ आप आए थे क्या मेरे पास? नहीं सर, अच्छा बता रही हूँ, मेरे पास डिटेल है आपका, जे जे कैंप में है ना आपका? हाँ। हाँ तो बताओ अपना बिजनेस है, 5 हजार रुपये नहीं निकाल सकते सर आप? मैडम निकाल तो मैं 50,000 भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो मेरी जो अर्जेंसी है ना, जो प्रायोरिटी है, वो कहीं और है इस वक्त। अरे सर देख लो, इतना आप मेरे को भी मतलब वो कर रहे हो परेशान। मैडम मैं परेशान कर रहा हूँ आपको। हेलो, कॉपरेट कर रहे हैं, पोलाइटली लेने बात कर रहे हैं, तो नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा सर, फिर मैडम देखो, आप चाहते हो फिर ये तो आप एक तरीके से मुझे धमकी दे रहे हो कि हम अनकॉपरेट भी कर सकते हैं, और धमकी दे पोलाइट रहे हो सर? पोलाइट की जगह हम सर अब्यूज भी कर सकते आप हैं। ऑब्वियसली सर हम आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, तो आप भी समझो ना सर, मैं आपसे ये तो नहीं कह रही ना भाई, तुम आप 3.5 लाख रुपए निकालो कहीं से भी निकालो, ठीक है। देखो अब आप तो समझ ऐसे रहे सुनो हो, मैडम, 5-10 हजार के रेंज में तो ये कर सकते हो। ऐसे कहने ऐसा मत बोलो मैडम मुझे ना। आप एक काम करो, मैं कुछ सोचता हूँ करता हूँ, कल बात करूंगा मैं आपसे ना। हेलो,